स्वागत करते हैं तुहाडा साडे वाला दूरदर्शन दे उत्ते। सब तो पहला चोणवीं खबरां। सस्ते फ्यूल प्राइसिस वाले फ्यूल पंप इन साउथ ऑकलैंड, सरी होया बर्फो बर्फी, न्यूजीलैंड विच लाल प्याज होया आउट ऑफ रीच, अते गिव प्रॉपर इंडीकेटर ऑन राउंडबाउट्स। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल दर्शकों गल करदे आं सस्ते फ्यूल स्टेशन इन ऑकलैंड। ते दर्शकों कॉन्टीन्यूअसली नोटिस किया गया है कि साउथ ऑकलैंड दे विच अते नाल दे आले दुआले एरिया दे विच जो फ्यूल स्टेशन ने जिन्हां ते सब तो सस्ता पेट्रोल मिलता है उन्होंने नोटिस किया गया है। तो दर्शकों वाले फ्यूल स्टेशन ने जेट फ्यूल पंप यानी कि जिथे इस जी कहते हैं जिहड़ा कि रोसकॉमन रोड के उत्ते है उत्थे हमेशा बहुत ही सस्ता पेट्रोल लग्या होया हुंदा है। बाकी दर्शकों एनपीडी ओटारा, एनपीडी विरी, विरी वाला गल पंप अते जेकर मनकाऊ दे विच गल कीती जावे ते मनकाऊ पैकनसेव दे विच सब तो सस्ता पेट्रोल लगा होया नोटिस किया जाता है। बाकी दर्शकों आप भी एप्स जरूर डाउनलोड करो जो सानू फ्यूल प्राइसिस दसदियां ने अते उत्थे लगातार एप्स दे उत्ते लोकी फ्यूल प्राइसिस अपडेट करते रहिंदे ने तां जो आप नू भी सस्ते पेट्रोल वाले पंपां दा पता लग सके अते कुछ बचत हो सके। बाकी दर्शको पापा टोयटोए, ओटारा, विरी इन्हां एरियाज दे विच ऑकलैंड दा सबसे सस्ता पेट्रोल लगा होया हुंदा है। बाकी जिदा जिदा इन्हां एरियाज तों दूर जांदे आ ते आप नू पेट्रोल महंगा ही मिलेगा। बाकी दर्शको एक गल तां ठीक है कि काफी देर तों हुण पेट्रोल दे प्राइसिस ठीक ने यानी कि जेकर एवरेज तौर ते गल कीती जावे ते डॉलर 2.40 तों लैके 2.50 तक के एवरेज देखे गए ने जो कि बहुत ही वधिया गल है। ऐदा ही फ्यूल प्राइसिस घट रहन ते आप सब नूं पता कि महंगाई ने तां मत मारी हुई है। बाकी दर्शको आप भी कॉमेंट्स करके दस्यो कि जिन्हां फ्यूल स्टेशन दे उत्ते हमेशा सस्ता पेट्रोल लगा होया हुंदा है तां जो सारयां नूं जानकारी मिल सके अते फिर आपां भी थोड़ी बचत कर सकीए। ताईं तां घर लै होणे ने इत्थे, आहो बचत होगी तां घर लै होउगे। मॉर्गेज ने तां उदां चक्की हुई आ, मकान तां मिली जांदे ने घट रेट दे उत्ते पर मॉर्गेज कौण भरू क्योंकि मॉर्गेज दीआं दरां तां बहुत वधदीआं जा रहीआं ने। सो इस तरह दर्शको इस गए फ्यूल स्टेशन जिन्हां ते लगातार पेट्रोल सस्ता देखिआ गया है। ते आओ फिर वधदे आपां अपनी अगली खबर दे वल। दर्शको गल करदे आं सरी दी यानी कि कैनेडा विच जो सरी पैंदा है ते दर्शको नोटिस किया गया है कि अजकल सरी बर्फो बर्फी होया पिया है यानी कि उत्थे बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो चुका है अते जिस दे कारण सारयां नूं बहुत ही दिक्कतां दा सामना करना पिया है। आपां सब ने टिकटॉक दे उत्ते बहुत सारियां वीडियोस देखीआं ने जिन्हां विच सरी दे विच बर्फ पैंदी हुई दिखाई दे रही है ते दर्शको इस स्नोफॉल दे कारण बहुते तां कई कई घंटे ट्रैफिक जैम दे विच फसे रहे, वड्डे वड्डे ट्रैफिक जैम लगे हुए ने अते बहुत सारियां दिक्कतां आ रहीआं ने। बाकी दर्शको पेट्रोल डीजल वालीआं गड्डियां दा ठीक आ पर जिन्हां कोल टेस्ला अते होर इलैक्ट्रिक गड्डियां ने उह तां बेचारे अपनियां बैटरियां मुका के बैठ गए, गड्डी लाउणी पई साइड ते, बड़ा औखा हो गया कम्म। बाकी दर्शको बहुत सारे लोकां ने अगे आ के जिन्हां दे घर ट्रैफिक जैम दे लागे सी रोटी पानी दे नाल, फोन चार्जिंग नाल अते होर भी कई तरह की मदद की। बाकी दर्शको आपने गाना सुनिया होगा बहुत ही ज्यादा मशहूर है कि ले जाओ उत्थे जिथे पैंदी है स्नोवे, ये दर्शको गाना सुनन विच ही ठीक लग रहा है पर पुछो सरी वालियां नूं जिन्हां नूं इस स्नोफॉल दे विच किन्नियां दिक्कतां दा सामना करना पिया। कईआं ने तां अपनी गड्डी साइड ते ला के कई किलोमीटर तुर के कम्म तों अपने घर पहुंचे ने। बाकी दर्शको जो सरफेस है बर्फ के कारण स्लिपरी होने के कारण काफी एक्सीडेंट भी देखे जा रहे ने। सो इस करके अपना ख्याल रखो ते ध्यान नाल गड्डी चलाओ अते गवर्नमेंट दीआं जो रेगुलेशन ने उन्हां नूं फॉलो किया जाए। बाकी सारे अपना ख्याल रखो अते दर्शको सज्जणां नूं कहो कि यह गाना हुण दोबारा ना सुनाया जाए कि लै जाओ उत्थे जिथे पैंदी है स्नोवे, स्नोफॉल ने तां अत कीती हुई है, देखण नूं जरूर लगता है कि यह बर्फ तां कॉटन वर्गी लग रही है पर जे ज्यादा पै जाए तंग भी बहुत ज्यादा करती है। सो यह सी दर्शको खबरां सरी दीआं जो कि अजकल बर्फो बर्फी होया पिया है, सुधी बर्फ विच ढकिया पिया सरी। बाकी दर्शको आप भी कमेंट करके दसो कि हुण सरी दे की हालात ने, कि घटिया कि नहीं ये स्नोफॉल, आहो यार कम ते जाना भी औखा हो गया। टैसला वाले तां विचारे रोण डए ने, उह सोचदे ने यार पेट्रोल वाली गड्डी ही वधिया। ऐदां दर्शको देखिया गया है ते आओ फिर वधदे आपां अपनी अगली खबर दे वल। दर्शको गल करदे आं न्यूजीलैंड विच रैड अनियन दी जो कि अजकल आउट ऑफ रीच हुंदा जा रिहा है, इन्ना महंगा यार सोच भी नहीं सकदे। दर्शको वड्डियां मार्केट्स विच नोटिस किया गया है कि एक किलो लाल प्याज $13-14 का होया पिया है ते बाकी दर्शको 10 किलो का बैग तो सज्जना 150 नूं पहुंचण नूं फिरदा है। 100-150 का बैग कौन लै लो, जां तां खा लो प्याज जां फिर लै लो घर, इको ही चीज हो सकती है। हुण तां दर्शको ऐदां दा हो चुका है कि घरां विच जेकर कोई लाल प्याज का नाम भी लै दवे ते उसनूं घरों कढ़न नूं फिरदे ने। बाकी दर्शको चिट्टे प्याज का बहुत ज्यादा एटीट्यूड देखिया गया है, आह जदों आपां प्याज लैण जांदे सी ते चिट्टे प्याज नूं देख के आपां ऐदां कहिंदे सी कि नहीं यार रैड अनियन ही लै के जाणे ने, वाइट अनियन नाल तां सब्जी स्वाद ही नहीं बनती। हुण दर्शको उही वाइट अनियन बाय करना पै रहा है ते वाइट अनियन भी अजकल कह रहा है कि आ गया नहीं बिलो उही टाइम। ते दर्शको इस एग्जाम्पल नूं इह साडे सन्मुख रखदा है कि हर इक दा टाइम आउंदा है ते चिट्टा प्याज कह रहा है कि आउण वाला टाइम चिट्टे प्याज दा यानी कि मेरा,
बाकी दसो गल भी सही है, रेड प्याज इन्ना ज्यादा महंगा हो चुका है कि यह पांच तो बाहर ही हो गया है, जिन्ना महंगा है लाल प्याज हो चुका है, इन्ने तो एक वीक का रेंट निकल जाता है। बाकी दसो अजकल नोटिस किया गया है कि इतने पहला रिश्तेदार यार मित्र जो एक दूजे को मिलन जाते थे तो केले लै गए, फ्रूट लै गए, कोई सेब नाशपाती, पर हुण तां इह हालात होए पए ने कि जिन्हां घर रिश्तेदार जांदे ने उह पहलां ही उहनां नूं कहण नूं फिरदे ने कि भरावा सेब केले ना लिआयो, आ थोड़े लाल प्याज ही लिआयो। इदां दसको नोटिस किया गया है। बाकी दसको मजाक नाल मजाक, यह जो लाल प्याज है साडी रीच तों बाहर हुंदा जा रिहा है। नो डाउट सानूं सब नूं अजकल बिना स्वाद वाली सब्जी खाणी पै रही है, पर कोई गल नहीं, चिट्टा प्याज भी सब्जी वधिया बना दिंदा है, कोई ना मसाले मसूले वधिया पा लो। सो दसको यह सी खबरां लाल प्याज दे रिगार्डिंग जो कि न्यूजीलैंड दे विच अजकल रीच तो बाहर हुंदा जा रहा है। तो आओ फिर वधदे आपां अपनी अगली खबर दे वल। दसको गल करदे आं न्यूजीलैंड दी, यानी कि राउंड बाउट दी। तो दसको अजकल नोटिस किया गया है कि सवेरे तक काम ते जाण लई सारयां नूं काहली हुंदी है, तो जिदां ही आपां राउंड बाउट ते पहुंचदे आं ते बहुतियां नूं नोटिस किया गया है कि उह चज नाल इंडीकेट करदे ही नहीं, जाणा उह तीजे एग्जिट ते हुंदा है ते कोई इंडीकेटर नहीं, बिना इंडीकेट किते होए निकल जांदे ने, ते बाकी राउंड बाउट ते जो सारियां गड्डियां हुंदियां ने उह सब कन्फ्यूज हो जांदे ने ते पता ही नहीं चल पाउंदा कि बंदे ने किहड़ा एग्जिट लैणा है, ते एवें बिना वजह उत्थे एक्सीडेंट होण नूं फिरदे ने। बाकी दसको जिवें कि आप सब नूं पता है कि न्यूजीलैंड दे विच इह रूल है कि सज्जे पासे वाले नूं पहलां पहल देनी है, यानी कि ट्रैफिक दे दौरान राउंड बाउट तों जो राइट साइड आ रहा हुंदा है उसनूं पहलां राह देना है, पर राउंड बाउट ते जाके अजकल इह उल्ट पुल्ट ही हो रहा है। ते दसको नोटिस किया गया है कि थ्योरी वाले टेस्ट वेले तां कई लोगों नूं सब कुछ पता हुंदा है कि किद्दां इंडीकेट करना है, पर बाद विच उह भुल ही जांदे ने कि आ राउंड बाउट ते जाके इंडीकेट भी करना हुंदा है। बाकी दसको जेकर गालां दी मात्रा नोटिस कीती जावे ते सब तों ज्यादा राउंड बाउट दे उत्ते इह कढ़ियां जांदियां ने, कहा जांदा लै यार इहनूं गड्डी चलाउणी आउंदी, इंडीकेट कीता ही नहीं, इन्हें जाना सीधा सीगा ते इंडीकेटर राइट वाला दिता है। ते कई तां राउंड बाउट ते जिन्हां ने पूरा घमेरा लैणा हुंदा है वो इंडीकेट ही नहीं करते, ना पता किहड़ा एग्जिट लैणा, ना पता किधर नूं जाना, यह दसको अजकल नोटिस किया गया है। बाकी दसको कॉमन जी गल है कि सारयां नूं काली हुंदी है काम ते जाण दी, पर इंडीकेट प्रॉपर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल मान लो तीजा एग्जिट लैणा है तो राइट इंडीकेट करके जो आपां एग्जिट लैणा है तो उधर वाला इंडीकेटर जरूर दिता जाए, पर दसको राउंड बाउट इदां दी चीज़ है जिथे रूल सब नूं पता हुंदा है पर फिर भी गड्डियां कन्फ्यूजन दे नाल निकलदियां ने, आहो विश्वास किसे नूं नहीं हुंदा कि पता नहीं किहड़ा गड्डी आके ठोक देवे। ते दसको इस दे नाल ही खबरां बुलेटिन समाप्त हुंदा है, अगले बुलेटिन विच फिर तुहाडा स्वागत करांगे, तद तक लई नमस्कार अते शब्बा खैर।